हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लम की फिफ्टीन परसेंट विटामिन सी सीरम की रिव्यू तो इस सीरम को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है बहुत टाइम पहले से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसका रिजल्ट कैसा है मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगेगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो, तो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये है प्लम की बेस्ट सेलिंग सीरम प्लम की बहुत बहुत सारे सीरम मुझे काफ़ी पसंद है एंड इंक्लूडिंग दिस सीरम तो ये है प्लम की मैंड्रीन एंड फिफ्टीन परसेंट विटामिन सी ग्लो बूस्ट सीरम एंड ये प्लम की बेस्ट सेलिंग सीरम है एंड इसका मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मैंने देखा था तो दैट्स तो शाइड तो तो मैंने भी इसको ट्राई किया है तो ये जो प्लम की विटामिन सी सीरम है ये पहले ना ब्रांड ने मुझे सेंड किया था पीआर में एंड उसके बाद मैंने ना इसको यूज़ नहीं किया था बिकॉज़ मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है एंड विटामिन सी जो इन्ग्रीडियंट्स है वो मुझे यूज़ करने में काफ़ी डर लग रहा था बट उसके बाद इस सीरम की इतनी सारी पॉजिटिव रिव्यू मैंने देखा था एंड uh, मुझे भी ट्राई करनी थी बिकॉज मुझे भी अपने फेस पर ग्लो एड करना था तो उसके बाद ना मैंने इस सीरम को कंटिन्यू यूज़ किया था तो पहले हम इसकी ना पैकेजिंग देख लेते हैं तो ये तो फिफ्टीन परसेंट विटामिन सी सीरम है प्लम की इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी क्यूट भी है एंड आप देख सकते हो डार्क कंटेनर में है तो विटामिन सी सीरम जो है वो डार्क कंटेनर में ही होनी चाहिए एंड इस कंटेनर की जो साइज़ है वो फिफ्टीन एम की है आपको काफ़ी सारे साइजेस uh, आपको मिल जाती है बट इसका जो साइज़ है वो फिफ्टीन एम की है एंड इसका जो प्राइस है वो फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है हाँ थोड़ा सा प्राइसी है बट इसका काम काफ़ी अच्छा है तो उसके बाद इसका जो टेक्स्चर है गाइस आप देख सकते हो इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सीरम uh, लाइक -like टेक्स्चर है सीरम ही है ऑफकोर्स तो इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है गाइस एंड जब आप अपने फेस पे इसको यूज़ करते हो ना आपकी स्किन बहुत बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होती है एंड आपके स्किन को ना मॉइस्चराइज भी करती है तो मुझे बेस्ट पार्ट लगा ये जब आप ये सीरम अप्लाई करते हो आपके स्किन पे ये बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है एंड आपकी स्किन ना इंस्टेंटली ग्लो आ जाती है आपकी स्किन पे जो मुझे काफी अच्छी लगती है एंड आपके स्किन को हाइड्रेट भी करता है तो गाइस इस प्रोडक्ट के बारे में जो एक फ़ाइनल वर्ड है गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी सीरम है ये एक ग्लो बूस्ट सीरम है एंड एग्जैक्टली वही है तो गाइस फर्स्ट जब ब्रांड ने मुझे सेंड किया था वो ये वाला बॉटल था जो थर्टी एम का था एंड इसको मैंने गाइस पूरा खत्म कर दिया है इसका प्राइस है सेवन नाइन्टी एंड इसको आप देख सकते हो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है मुझे इतना अच्छा लगा था मैंने डेली अपनी स्किन केयर रूटीन पर इसको यूज़ किया था एंड गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उसके बाद ये खत्म हो गया था उसके बाद मुझे फिर से बाय करना था बट फिर से ब्रांड ने मुझे ये फिफ्टीन एम का जो कंटेनर है ये मुझे सेंड किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे दूसरी बार ये मेरी फेवरेट सीरम मुझे रिसीव हुआ तो वैसे यहाँ पर वीडियो के बीच में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि है ग्यारह की इंस्टेंट टीथ व्हाइटनर तो ये एक टीथ व्हाइटनिंग टीथ है जिससे आप अपने टीथ को व्हाइटन कर सकते हो घर पे ही एंड इस किट की जो प्राइस है ये थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज बट आपको ये ऑनलाइन अराउंड एटीन हंड्रेड के आसपास आपको मिल जाएंगी तो इसके बाद इस किट पे आपको मिलता है एक कैरी बॉक्स उसके बाद आपको वन ईयर की वारंटी आपको मिलती है एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक टीथ शेड गाइड आपको मिलता है एंड उसके बाद आपको मिलता है ट्वेंटी ब्लू एल लाइट जो की रिचार्जेबल है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल फोर्टीन स्ट्रिप्स आपको मिल जाते हैं यूज करने के लिए तो इसको यूज करना बहुत ही ईजी है आपको पहले स्टिप्स को रिमूव करना है रिमूव करने के बाद आपको अपने टीट पे ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे आपको इस स्टिप्स को अच्छी तरह से लगानी है एंड उसके बाद जो एल लाइट आपको मिलती है ब्लू लाइट उसको ऑन करनी है ऑन करने के बाद आपको इसको अपने माउंट पर रखनी है टीट के ऊपर एंड उसके बाद आपको दस मिनट तक इसको रखना है एंड उसके बाद इसको रिमूव करना है एंड स्ट्रिप्स को भी रिमूव करना है एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिबल दिखेगी गाइस मेरे टिप पे अभी ब्रेसेस है तो इसलिए मैंने किसी और के टिप पे इसको यूज़ करके देखा है एंड गाइस इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर आपको भी घर पे ही अपने टीथ को वाइटन करनी है तो आप ये एगारो की इंस्टेंट टीथ व्हाइटनिंग की बिल्कुल ट्राई कर सकते हो बहुत ही इजी है आपकी टीथ के लिए बिल्कुल सेफ है अगर आप इसको डेली यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको यूज़ करना है अगर आप वीक में दो बार यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्वेंटी मिनट्स तक इसको रखना है तो गाइस आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसका जो परसेस लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी सो चेकआउट कर सकते हो तो अगर आपकी फ़ेस पर पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट है अन इवेंट स्किन टोन है या आपकी आपकी फेस पे ग्लो नहीं है तो आप ये फिफ्टीन परसेंट विटामिन सी सीरम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो गाइस आपको काफी फिजिबल रिजल्ट आपको दिखेगी आपको कंटिन्यू इसको अच्छी तरीके से यूज करनी होगी अपनी स्किन केयर रूटीन पे एंड गाइस अगर आप बिगिनर हो एंड अगर आपको विटामिन सी सीरम यूज करनी है तो आप वीक में दो तीन बार यूज कर सकते हो एंड उसके बाद आप डेली इसको यूज कर सकते हो एंड गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप विटामिन सी सीरम यूज करते हो तो सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यूजिंग विटामिन सी सीरम तो आप डे टाइम में हमेशा सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिएगा ये जो विटामिन सी सीरम है ये पिगमेंटेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क करता है अगर आपके माउथ एरिया के आसपास पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है तो उसको भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगी एंड अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है या अगर आपकी फेस पे ग्लो नहीं है तो इसको भी ये ठीक करता है यानी आपके अनइवन स्किन टोन को इवन आउट करता है तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अमेजिंग मल्टीपर्पजेज सीरम है जिसको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मुझे इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा आपको डेली इसको कंटिन्यू अच्छी तरीके से यूज करनी होगी तभी इसका जो फिजिबल रिजल्ट है वो आपको दिखेगी तो, तो गाइस अगर आपको भी विटामिन सी सीरम अपने स्किन के रूटीन पर इंक्लूड करनी है तो आप ये प्लम की फिफ्टीन विटामिन सी सीरम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो तो इसका जो परचेस लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से डिरेक्टली परचेस कर सकते हो तो गायस यही थी मेरी आज की वीडियो होप इस प्रोडक्ट की रिव्यू आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टिल देन, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय